तो ये कुछ मॉडल्स हैं टाटा के फर्दर जो फ्यूचरिस्टिक मॉडल्स हैं, जो इलेक्ट्रिक मॉडल्स हैं जो लॉन्च होंगे। ये है टाटा की कर्व जो एक प्रॉपर कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में मेरे को जो दिख रही है, और एक प्रॉपर एक इलेक्ट्रिक कार है, फ्यूचरिस्टिक मॉडल है। पहले भी टाटा ने शोकेस किया था इसको, और इस बार दोबारा से शोकेस किया, तो साइड लुक काफ़ी अपीलिंग मेरे को इसका लगा, और काफ़ी अच्छे इसके अंदर साइड लुक्स दे रखे हैं टाटा ने, और एक फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन जो टच है वो उसके अंदर प्रॉपर आपको मिल जाता है। तो बहुत ही शानदार प्रोडक्ट्स आने वाले टाइम में टाटा के अंदर लॉन्च होने वाले हैं। अगर मैं एक और चीज़ बात करूँ तो सामने आपको सीरिया दिख रही होगी, वो भी मैं इसके बाद आपको दिखाता हूँ, पहले इसका फ्रंट लुक चेकआउट करते हैं। तो फ्रंट लुक से इसके अंदर हमें कुछ ऐसी मिल जाती है टाटा की कर्व, काफ़ी अच्छी इसके अंदर फ्रंट लुक आपको मिल जाती है। जो इसके हेडलैम्प्स आपको दिख रहे हैं वो भी काफ़ी इंप्रेसिव हैं, और फ्रंट लुक काफ़ी इफेक्टिव, और जो इसके अंदर एक काफ़ी अच्छी अपीलिंग इसके अंदर फ्रंट लुक निकाली गई है कर्व ईवी के अंदर, और बहुत ही अच्छा इसके अंदर रेडिश टोन में इंटीरियर आपको मिल जाता है। अगर आप देखें ध्यान से तो रेडिश टोन में इसके अंदर जो इंटीरियर मिलता है वो काफ़ी एक स्पोर्टी लुक कार को ऑफर करता है। तो ये कुछ थी टाटा की कर्व ईवी। अगर हम बात करें टाटा की सीरिया की, तो काफ़ी शानदार एक टाइम की बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट एसयूवी रह चुकी है, और दोबारा से इन्होंने इसको ईवी सेगमेंट में लॉन्च किया है। काफ़ी अच्छा ग्लास एरिया के साथ आपको टाटा की सीरिया मिल जाती है, ईवी सेगमेंट में लॉन्च करी गई है। 2025 तक एक्सेप्टेड लॉन्च इसका जो मिलेगा आपको, 2025 तक आपको और मिल जाएगी ये गाड़ी रोड पर चलती हुई। कितना शानदार इसका साइड लुक इसके अंदर ऑफर कर दिया गया है, मतलब एक बहुत ही शानदार डिज़ाइन लैंग्वेज टाटा इस टाइम पे फॉलो कर रहा है अपनी कार्स के अंदर। अगर आप पीछे भी देख रहे होंगे तो इसका फ्रंट लुक काफ़ी अपीलिंग दिख रहा है। चेकआउट करते हैं एक बार इसका फ्रंट लुक। तो फ्रंट लुक इसका कुछ आपको ऐसा मिल जाता है, काफ़ी इंप्रेसिव फ्रंट लुक इसका, और डिज़ाइन लैंग्वेज बनाई गई है टाटा की तरफ से, और काफ़ी अच्छी ये लुकिंग के साथ आपको मिल जाती है फ्रंट लुक और साइड लुक में, और प्रॉपर काफ़ी ह्यूज लुकिंग इसके अंदर आपको प्रॉपर मिल जाती है। तो ये कुछ इसका था सेकंड प्रोडक्ट जो फ्यूचर में लॉन्च होने वाला है। तो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट टाटा का है वो ईवी में आपको मिल जाती है हैरियर। हैरियर शायद जल्दी से लॉन्च हो भी सकती है, शायद 2025 तक इसका वेट ना करा जाए और उससे पहले ही इसको लॉन्च कर दिया जाए, बट अभी कुछ कह नहीं सकते, बट कह सकते हो, कह भी सकते हैं, और उम्मीद भी है कि ये लॉन्च कर भी दे ईवी को हैरियर में, क्योंकि काफ़ी एनहेंसिंग और इफ़ेक्टिव लुकिंग हो जाती है, और इकोनॉमिकल, और साथ ही साथ आपको एक नेचर को हार्म करने से बच जाते हो। आपको एक नेचर फ्रेंडली कार ज़रूर से मिल जाती है, जो इसके अलॉय व्हील का जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन इसके अंदर आपको ऑफर कर दिया जाता है, और काफ़ी अच्छा एक साइड लुक, बल्कि साइड लुक इसके अंदर हमें मिल जाता है हैरियर के अंदर। एक बार चेकआउट करते हैं रेयर का लुक। अगर मैं रेयर लुक की बात करूँ तो कितने ही स्लीक डिज़ाइन में इसके टेल लैम्प्स आपको मिल जाते हैं, मतलब अगर ये डिज़ाइन में इसके टेल लैम्प्स अगर आज की हैरियर में आ जाए ना, तो मतलब वन ऑफ द बेस्ट थिंग इसके अंदर हो जाएगी हैरियर के अंदर, जो काफ़ी मज़ा आ जाएगा कार टाइप की, कुछ आपको टेल लैम्प्स मिल जाएँ। तो ये थर्ड प्रोडक्ट था। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे है, तो ये एक और टाटा का एक नया प्रोडक्ट है जो फ्यूचर में लॉन्च होने वाला है। बहुत ही एक स्लीक डिज़ाइन के साथ इस क्रॉसओवर टाइप की आपको इलेक्ट्रिक कार मिल जाती है, मतलब अगर इस टाइप की थिंकिंग अगर इंडियन ब्रांड्स की है तो रियलिटी में आने वाले टाइम में मार्केट के अंदर आग लगाने वाली है इंडियन ब्रांड्स, क्योंकि बहुत ही शानदार इसका जो आपको लुकिंग मिल जाता है। अगर आप ऊपर भी देखें तो कितना शानदार इसका बैक लुक मिल रहा है, फ्रंट लुक मिल रहा है, और इंटीरियर कितना स्पेशियस आपको अगर मिल रहा है, अगर ऐसी सेम मॉडल में इसको लॉन्च कर दिया जाएगा तो बहुत ही शानदार इसके अंदर आपको फीचर्स मिल जाते हैं, लुकिंग मिल जाती है। साइड अगर आप ORVM चेकआउट करें तो कितना शानदार इसके अंदर ORVM आपको मिल जाता है। तो ये कुछ थी टाटा का कॉन्सेप्ट कार जो आने वाले टाइम में लॉन्च होने वाली है। तो ये कुछ इसकी मैसिव डोर ओपनिंग है, अगर आप देखें तो इसकी कुछ मैसिव डोर ओपनिंग्स आपको कुछ ऐसी दिख जाती है, कितने शानदार तरीके से इसका डोर जो है वो ओपन होता है। तो फ्रंट लुक आपको इसके अंदर कुछ ऐसा मिल जाता है, काफ़ी इफेक्टिव और एक अच्छा फ्रंट लुक इसके अंदर आपको मिल जाता है। डोर ओपनिंग अगर आप देख रहे होंगे तो कितने शानदार इसके अंदर डोर ओपनिंग हो रही है। तो ये कुछ था टाटा के जो नए कॉन्सेप्ट्स हैं जो आने वाले टाइम में लॉन्च होंगे इंडियन मार्केट के अंदर, और बिल्कुल ही एक ग्लोबल प्रोडक्ट टाइप, इसकी जो लैविश लुकिंग आ रही है वो एक ग्लोबल प्रोडक्ट जैसी लुकिंग आ रही है इसकी, काफ़ी एक इफेक्टिव इसके अंदर डिज़ाइन लैंग्वेज करी गई है टाटा की तरफ से। तो ये कुछ था टाटा के नए प्रोडक्ट्स जो लॉन्च होंगे मार्केट के अंदर, काफ़ी अच्छे डिज़ाइन लैंग्वेज के साथ।